तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। इधर हूँ आपका DCS और आज मैं इस वीडियो को करने वाला हूँ क्योंकि आई जस्ट थॉट दैट मेरा जो भी क्लासिक कार का जो कलेक्शन है ना वो बहुत ही पड़े पड़े जंक का रहा था, तो आई जस्ट थॉट दैट व्हाई डोंट आई मेक अ कलेक्शन वीडियो। जी हाँ, मैं आज इस किनस्मार्ट्स को ना, मैंने किनस्मार्ट्स का कलेक्शन बहुत रखा है तो मैंने सोचा कि क्लासिक कार्स का एक बार शो कर देता हूँ। सो गाइस, दिस आर माय क्लासिक कार कलेक्शन। तो क्लासिक कार का उतना शौक नहीं था, लेकिन जब भी मैं एक क्लासिक किनस्मार्ट या कोई भी डाईकास्ट मॉडल खरीदता हूँ ना, तो इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी इन द कलेक्शन। जो भी कलेक्शन में मैं जब भी एक क्लासिक कार लेता हूँ, सो दैट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव वन इन द कलेक्शन। तो आज मैं यही लाया हूँ, पूरा लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और बहुत सारे हैं, तो आई जस्ट नैरोड इट डाउन टू 5। तो 5 कार्स मैं दिखाने वाला हूँ। सो विदाउट एनी मोर वेटिंग, चलते हैं पहली कार के तरफ। कार से स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ है मेरे पास एक 1971 का लैम्बोर्गिनी म्यूरा P400SV, जो बहुत अच्छा कार है, कलेक्टर्स कार भी माना जाता है क्योंकि इसका रेयरिटी जो है ना बहुत रेयर है ये कार। और इस ये कार किनस्मार्ट वर्जन में 134 स्केल में मिलता है, और असली में दिस कार हैज़ अ 4 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V12, जो लैम्बोर्गिनी का फ्लैगशिप इंजन है ना, V12, हाँ इसमें वही इंजन है, लेकिन इसका टॉप स्पीड और हॉर्स पावर बहुत कम है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार। हाँ, सब लोग बोलते हैं कि लैम्बोर्गिनी कुंटाश इज़ वन ऑफ द लैम्बोर्गिनी फर्स्ट स्पोर्ट्स कार। नहीं भाई, ये कार जो कुंटाश से भी पहले ही आया था, तो दिस वॉज द फर्स्ट मिड इंजन लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार, बहुत ही नया इन्वेंशन था और तब ये एक वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कार भी था। तो टॉकिंग अबाउट द टॉप स्पीड, इस कार का टॉप स्पीड है 289 किलोमीटर पर आवर, जो 1971 में है ना, दैट टाइम इट वॉज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कार, तो बहुत ही अच्छा है। और मेरा कलेक्शन में है ना ये एक टॉप 1 क्लासिक कार है क्योंकि मुझे लैम्बोर्गिनीज तो बहुत पसंद है, एंड दिस इज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्स, बहुत ही अच्छा है गाइस। सो दैट इज द लैम्बोर्गिनी म्यूरा। तो अगली कार में चलते हैं। सेकेंड कार के बारे में बात करें तो गाइज, दिस इज़ द 1954 मर्सिडीज बेंज 300 SL, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार है, क्लासिक डिज़ाइन में तो ये अमेजिंग है, और इसका गल्विंग डोर्स इज़ द बेस्ट, तभी एक रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन था इसका गल्विंग डोर्स, लेकिन इट हैड इट्स फ्लॉज गाइज, इसका बहुत फ्लॉज था इसका गल्विंग डोर्स की वजह से, सेफ्टी का इशूज़ में, एंड दिस वॉज अ रियली फास्ट कार। इसका जो भी इंजन है ना, इट वॉज अ 3 लीटर स्ट्रेट सिक्स इंजन है, प्लेस किया गया था इसके अंदर, और ये बहुत ही फास्ट था एट इट्स टाइम। इसका टॉप स्पीड था 263 किलोमीटर पर आवर, और इसका डिज़ाइन वॉज जस्ट मार्वलस, अभी भी मेरा कलेक्शन में इट इज़ द टॉप 2 गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार है, इट हैज़ दैट क्रोमिश बम्पर्स और इसका व्हील्स बहुत ही अच्छे हैं, इट लुक्स रियली रियली नाइस। इसका इंटीरियर्स में भी कोई कमी नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी गुड कार इन द किनस्मार्ट, आई रिकमेंड यू टू बाई दिस गाइज, बहुत ही अच्छा लगने वाला है इस आपका कलेक्शन में। तो गाइज, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कार। तो अभी ये क्लासिक स्पोर्ट्स कार का बहुत बात हुआ, सो लेट्स टॉक अबाउट सम वैगन्स गाइज। जी हाँ, आपके सामने है एक 1955 का शेवी नोमैड, और ये कार बहुत ही अच्छा है गाइज बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन ओनली, इसका जो टॉप स्पीड है बहुत कम है। सो फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द कार स्केल, आपको ये किनस्मार्ट में है ना 140 स्केल में मिलता है, सो इट इज़ नॉट दैट बिग, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एंड जो भी इंजन है ना रियल लाइफ में, शेवी ने 1955 में बहुत सारा V8 ऑप्शंस दिए थे और लीटर्स में डिफर होते थे, सो मोस्ट बाइड है 4.3 लीटर का V8, जो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसका टॉप स्पीड जो है ना आपको डिसअपॉइंट कर देगा क्योंकि इट वॉज 134.8 किलोमीटर पर आवर, या दैट वॉज द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार, जो बहुत कम था आज का वैगन से कंपेयर किया तो, लेकिन 1955 में बहुत तेज़ था। सो दैट इज़ द शेवी नोमैड, और इसका जो स्पेशलिटी है ना वो है इसका एक डिज़ाइन जो व्हील्स से पकड़ के, और इसका ग्रिल्स जो ग्रिल है ना वो एक्चुअली ग्लास का है, ग्लास में एक मेश पैटर्न दिया है, सो दैट लुक्स रियली रियली नाइस, और क्रोम बम्पर्स और पीछे का टेल लैम्प्स बहुत ही अच्छा सा इमिटेट किया गया है, और इसका साइड में बेल एयर भी दिया है विच इज़ रियली रियली नाइस गाइज। तो आप खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, इट लुक अमेजिंग इन द कलेक्शन। तो गाइज, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कार।
फाइनली गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं एक बेस्ट क्लासिक कार का सेगमेंट में, वो है मसल कार्स। जी हाँ, अगर आपने कभी कैमेरो बोल के एक कार का नाम सुना है तो डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी से ही होगा। जो कैमेरोज है ना, वो बम्बलबी का पार्ट किया है। हाँ, जो बचपन में भी याद है वो कैमेरो का डिज़ाइन, येलो कलर सब बहुत ही अच्छा है। और ये जो आपके सामने है ना, वो एक पुराना वाला है, 1967 का कैमेरो Z28। बहुत ही अच्छा वाला कार है। इट लुक्स लाइक अ चार्जर, लेकिन चार्जर तो नहीं है, दिस इज़ अ शेवी कैमेरो Z28। और इसका जो भी किनस्मार्ट में है ना स्केल, वो आपको 137 स्केल में मिलता है, सो इट इज़ नॉट दैट बिग, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसका मोस्ट कॉमन इंजन है 5.7 लीटर का V8, जो बहुत ही बड़ा है, 5 लीटर का है। सो इसका टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो इट इज़ फास्ट फॉर इट्स टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका टॉप स्पीड है 171 किलोमीटर पर आवर। सो ऑन एन एवरेज अभी भी इट इज़ रियली फास्ट फॉर एन ओल्ड कैमेरो। और इसका स्लिक बॉडी डिज़ाइन जो है ना, इट लुक्स अमेजिंग, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ मसल कार। और इसका हेडलाइट्स जो है ना, वो पीछे छुपा है ग्रिल्स का पीछे, इट लुक्स रियली रियली कूल। बैक इन द डे बहुत ही अच्छा था ये कार। सो इसका डिज़ाइन किनस्मार्ट पीपल ने बहुत ही अच्छा सा कॉपी किया है, सो इट लुक्स वेरी कूल गाइज। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कार। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं मेरा लास्ट और फाइनल क्लासिक कार के पास। सो दिस इज अ 1965 शेल्बी कोबरा 427 SC। इसका कॉम्बिनेशन जो है ना, एक मसल कार और एक कंप्लीट क्लासिक कार का है। सो इसका जो भी रूफ है ना, वो क्लोज नहीं होता है, इसका कन्वर्टेबल वर्जन्स भी नहीं है, और इसका टॉप भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज़ अ कम्प्लीटली ओपन कार और फिक्स्ड है। सो इट इज़ अ वेरी कूल वन। इसका जो भी डिज़ाइन डिटेल्स है बहुत ही अच्छा है। किनस्मार्ट में आपको इसको एक 132 स्केल में मिलता है, जो एवरेज में बड़ा है। और इसका जो भी इंजन है ना, असलियत में ये एक 7 लीटर का V8 में मिलता है, और जो SC कोबरा है ना, वो बहुत रेयर है। और इसका जो टॉप स्पीड है, ज़्यादा स्टनिंग नहीं है, इसका टॉप स्पीड है 264 किलोमीटर पर आवर। तो बैक इन द डे बहुत ही फास्ट था, एंड इसका डिज़ाइन बहुत ही अग्रेसिव था, क्योंकि इसका प्रोट्रूडिंग एग्जॉस्ट और इसका फ्यूल डोर जो भी है ना, इट लुक वेरी वेरी नाइस गाइस। और इसका डिज़ाइन में था, इट लुक्स सो कूल। इसका कर्वी डिज़ाइन में थोड़ा फ्लॉज है, क्योंकि इसका बॉडी में जो भी लाइंस है ना, वो वेल्डिंग का पैचेस वैसे ही दिए गए हैं, सो इट लुक्स अ लिटिल बिट ऑड इन द किनस्मार्ट वर्जन, लेकिन असलियत में इट लुक्स सो नाइस गाइस। सो आप भी चेकआउट कीजिए ये कार को। सो दैट इज इट गाइस, मेरा फाइनल कार। राइट गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये सिर्फ मेरा आधा है जो किनस्मार्ट क्लासिक कार कलेक्शन में है ना, ये सिर्फ आधा है, लेकिन ये मेरा सबसे बेस्ट क्लासिक कार्स है किनस्मार्ट में, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली अपना फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। टू ऑल द पीपल हु आर कलेक्टिंग किनस्मार्ट कार्स या जो कुछ भी डाईकास्ट मॉल्स है ना, वो उन लोगों को डेफिनेटली भेजिए। एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। स्टे ट्यून्ड रही है नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक का अनबॉक्सिंग्स भी आने वाले हैं। सो अगर आपने मेरा प्रीवियस अनबॉक्सिंग्स नहीं देखे तो मेरा प्लेलिस्ट को डेफिनेट से चेक कीजिए गाइज। ऑल राइट देन, स्टे ट्यून्ड, DCS आउट, बाय बाय, एंजॉय। Thanks for watching and do subscribe!